अक्षर, आपने अभी शुभमन गिल की बात की, आप शुभमन को तो बहुत दिनों से जानते हैं, 8 वर पे भी रहे और कई दिनों से रह रहे हैं, क्या एक चीज खास आपने देखा उनमें बदलाव में कि इतने कंसिस्टेंट हैं वनडे में जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं? आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि जो जिस तरह से वो खेल रहा है, आई थिंक सिंगल्स डबल्स वो कन्वर्ट कर रहा है कि वो ज़्यादा डॉट बॉल नहीं खेलता, तो मुझे लग रहा है कि वो उसका बिगेस्ट पॉजिटिव है कि वो जब भी खेलता है तो सिंगल डबल्स चालू रहते हैं और जब बैट बॉल होता है उसको वो बाउंड्री में कन्वर्ट करता है, तो आई थिंक वो उसका बिगेस्ट है। और आई थिंक स्पिनर को बहुत अच्छा खेलता है, तो मुझे लग रहा है कि वो उसकी वजह से जब मिडल्स ओवर में वो सिंगल इजी निकालता है और बीच में जब 5 फील्डर अंडर होते हैं तो वो स्वीप और रिवर्स स्वीप भी अच्छा खेलता है, तो उसके वजह से वो ऑन बॉल फोर्स में कन्वर्ट करता है। तो ड्रेसिंग रूम में इतना ही सीरियस है या मजाक मजाक करता है आपने? नहीं, मतलब वो सबके साथ मजाक करता है, लेकिन मोस्टली ईशान और मैं आवेश उनके साथ काफ़ी मजाक करता रहता है, इतना सीरियस नहीं है, जब बैटिंग करता है तो सीरियस हो जाता है। अक्षर, आप अपने पर्सनल परफॉर्मेंस के बारे में बताइए, आपके लिए ये सीरीज आउटस्टैंडिंग रही है, लेकिन कितना आसान या मुश्किल होता है कि आप ऑलवेज मतलब रिजर्व में रहते हैं, आपसे सडनली एक मैच मिलता है या दो मैच मिलता है या सीरीज और वहाँ आपको परफॉर्म करना पड़ता है, माइंडसेट क्या रहता है? एक्चुअली या बहुत ही टफ होता है कि आप दो मैच खेलते हो और उसके बाद आपको सडनली आपको बाहर बैठना पड़ता है अनफॉर्चुनेटली, और उसके बाद फिर से आपको दो तीन मैच मिलता है, तो बहुत टफ रहता है, लेकिन मैं यही अपने आप को मैं बैक करता हूँ कि तेरे को अपने माइंड को इस तरह से ट्रेन करता हूँ कि मेरे पास जो है ये यही अपॉर्चुनिटी है, मैं अगर इसमें अच्छा करूँगा तो मेरे को दूसरी मैच मिलेगी और दूसरे में अच्छा करूँगा तो मेरे को तीसरी मैच मिलेगी और ये मेरा लास्ट मैच है, उस हिसाब से ही मैं अपने कोई भी मैचेस को खेलता हूँ। और या ऑब्वियसली जब टफ लगता है तो मैं यही बोलता हूँ कि अगर मैं इस मौके को मैं ऐसा करके भी खेल सकता हूँ कि यार मेरे को मौका नहीं मिलता है या दो मैच के बाद फिर से मिलता है, लेकिन अगर उसके अच्छा मैं अपने आप को पॉजिटिव वे में लेता हूँ कि ये मेरे लिए अच्छा मौका है, अगर ये मैं खेलूँगा तो मेरे लिए इंडिया के लिए अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिल रही है मुझे और इसमें अच्छा करूँगा तो मैं अपने आप को बेहतर करता जाऊँगा, तो वो अपने ऊपर है आप किस तरह से लेते हो। अगर आप नेगेटिव वे में लोगे तो आप बोलोगे कि यार मुझे लगातार मैच नहीं मिलती है, और अगर आप पॉजिटिव वे में लोगे तो यार आपके लिए हर एक मैच इंपॉर्टेंट है आपको परफॉर्मेंस करने के लिए। सो अपार्ट फ्रॉम द क्लीन स्वीप, व्हाट आर द बिगेस्ट टेकअवेज फॉर इंडिया फ्रॉम दिस टूर? I think the way I said in this match, the bowler, fast bowlers bowled a perfect bowling line. They execute his plans very good. The way Avesh bowled that yorkers and slow ones, the Deepak bowled yorkers, and he get initially 3 wickets in first match. After injury, came back very well. The Deepak Chahar and I think Shardul bowled brilliantly death over. So I think that's the good takeaway for us. And I think the way Shubman Gill batting, that was awesome. I think his in last series he was man of the series against West Indies, and he is continues this performance against Zimbabwe. I think that biggest takeaway from his Extra time. Extra time.